हेलो गाइस, मैं हूं स्वागत हूं। और गाइस, आज मैं बनाऊंगा एक बहुत ही शानदार सर्पिल लाइट जो आप भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखिए इस बात की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं सर्पी का फ्रेम बनाऊंगा, तो इसीलिए मैं पेपर में सर्पी का फ्रेम का सबसे कटिंग किया हूं। और इसी पेपर को पीवीसी शीट के ऊपर रख के मार्किंग करके कटिंग करना होगा, और इस तरह का दो पीस कटिंग करना होगा। तो मैं यहां पे पीवीसी पाइप को हीट करके इस तरह का शीट बनाया हूं। तो चलो पेपर को इसके ऊपर रख के मार्किंग करके फटाफट कटिंग कर लेता हूं। तो गाइस, कटिंग मैंने कर लिया हूं, तो चलो अब इसको फिनिशिंग कर लेता हूं। तो फिनिशिंग करना कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं लिया हूं इस तरह का पीवीसी सीट, तो इसी सीट को इसी बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से रख के जोड़ना होगा। तो चलो इसको फटाफट जोड़ के रेडी कर लेते हैं। तो गाइस, फ्रेम का एक साइड तो मैंने रेडी कर लिया है और इसका फिनिशिंग करना होगा। तो चलो इसको भी फटाफट फिनिशिंग कर लेते हैं। तो फ्रेम का एक साइड को तो मैं बना लिया हूं, और इसका ऊपर वाला जो बोर्ड है, ये वाला जो बोर्ड है, इसको एकदम लास्ट में लगाऊंगा सर्पी बन जाने के एकदम बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे मार्किंग करके रखा हूं। यहाँ पे बियरिंग लगाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे होल्ड करना होगा। तो चलो फटाफट होल्ड कर लेते हैं। तो होल मैंने कर लिया है, देख सकते हो, और अब लगाऊंगा यहाँ पे बियरिंग। ओके, तो बियरिंग को मैं ले लिया हूँ, एकदम छोटा छोटा बियरिंग। तो बियरिंग को लगाने से पहले मैं लिया हूँ इस तरह का एक पेन, और लिया हूँ एक टीन का पत्ती। तो इसको मैं पेन का इसी होल में लगा दूंगा, और लगा देने के बाद कुछ इस तरीके से बेंड कर दूंगा, और उसके बाद मैं बियरिंग को लगाऊंगा। देखो कुछ इस तरीके से, और इसको मैं अच्छे से फिट कर दूंगा। तो देख सकते हो, एकदम पेन के साथ अच्छे से फिट हो गया बियरिंग। तो मैं और भी एक टीन का पत्ती लिया हूँ, और इसको कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया हूँ, और इसको यहाँ पे लगा दूंगा, और उसके ऊपर मैं बियरिंग को लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखो गाइस, जब भी मैं इसी पिन से पावर दूंगा, इसी पिन से पावर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और लिया हूँ इस तरह का एक व्हील। तो व्हील का ये वाला जो पार्ट है, इसको हमें चाहिए, तो इसको यहाँ से कट करना होगा। तो मैं कटिंग करके ले लिया हूँ, और इसको बियरिंग के अंदर कुछ इस तरीके से लगा देना होगा। और बियरिंग में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा जगह बचा के रखना है पिन को लगाने के लिए, जैसे मैंने किया है, देख सकते हो। और बियरिंग को मैंने यहाँ पे लगा भी दिया हूँ। तो अब मैं लिया हूँ एक गियर मोटर, और इसी वाला पार्ट को मैं यहाँ से काट के छोटा कर लिया है, और गियर मोटर को यहाँ पे मैंने लगा दूंगा। तो उससे पहले मैं लिया हूँ यहाँ पे दोनों गियर, देख सकते हो। तो इसी गियर को मैं बियरिंग के साथ लगाऊंगा। तो चलो इसको फटाफट लगा देते हैं, और गियर मोटर के साथ इसी गियर को लगा दूंगा, और लगाने के बाद अच्छे से फिट कर दूंगा। तो कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो गाइस, बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो गाइस, अब मैं एक सर्किट बनाया हूं जिसका काम है 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना। ओके, और इसको आप भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इसका सर्किट रहेगा, मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप उसी को देख के बना सकते हो। तो इसी सर्किट में गियर मोटर का दोनों तार को सोल्डरिंग कर दूंगा। तो जहां पे 5 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है, उसी दोनों पॉइंट में गियर मोटर का दोनों तार सोल्डरिंग कर दूंगा। और जहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट देना होगा, वहाँ पे मैंने दोनों तरफ सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोनों तरफ सोल्डरिंग कर लिया है, और अब इस दोनों तार में अगर मैं 12 वोल्ट दूंगा तो गियर मोटर चालू हो जाएगा। ओके, तो और भी दोनों तार यूज कर रहा हूँ, तो इसी दोनों तार को बियरिंग के साथ कनेक्शन कर दूंगा। जहाँ पे मैंने टीन का पत्ती लगा था, उसके साथ कनेक्शन कर दूंगा। तो अब मैं इसी दोनों तार के साथ इसी दोनों तार को पैरेलली जोड़ लूंगा। तो चलो फटाफट जोड़ लेते हैं। तो गाइस, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं बनाऊंगा लाइट को, तो चलो फटाफट लाइट को बना लेते हैं। तो लाइट को बनाने के लिए सबसे पहले लाइट का फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो चलो लाइट का फ्रेम को फटाफट बना लेते हैं।
गाइस लाइट का जो फ्रेम है उसको मैं रेडी कर लिया हूँ और इसको मैं ऐसे बनाया है कि इसके अंदर कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो उसको मैं बाद में खुल के रिपेयर कर सकूंगा। ओके तो चलो अब इसके अंदर लाइट को लगाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे इसी दोनों लाइट को लगाने वाला हूँ और ये बाइक का लाइट है और इसका तेज बहुत ही ज्यादा है और इसके अंदर दोनों लाइट इनबिल्ड है। ओके तो और एक चीज, इसी लाइट के साथ तीनों तार दिया गया है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ब्लैक तार है नेगेटिव और येलो और रेड है पॉजिटिव। ओके तो रेड तार के साथ कनेक्शन करेंगे तो जलेगा व्हाइट और येलो तार के साथ कनेक्शन करेंगे तो जलेगा येलो। ओके तो मैं यहाँ पे रेड और येलो को एक साथ जोड़ दूंगा और जब मैं कनेक्शन करूंगा तब यहाँ पे येलो और व्हाइट एक साथ जलेगा। तो चलो पहले एलईडी को फिट कर देते हैं। तो गाइस लाइट को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और इस तरह का सेम दूसरे पार्ट में भी लाइट को लगा दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो सेम यहाँ पे भी लाइट को लगा दिया है और इसके अंदर और भी लाइट लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसमें लगाऊंगा लेजर डायोड। ओके तो उसके लिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर रखा है, तो यहाँ पे तीनों लेजर लगाऊंगा और यहाँ पे तीनों लेजर लगा दूंगा। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे इस तरह का लेजर डायोड को यूज कर रहा हूँ, तो चलो इसको फटाफट लगा देते हैं। तो गाइस सारे लेजर डायोड को मैं हॉट ग्लू की मदद से अच्छे से जोड़ दिया है और इसका जो कनेक्शन होगा वो होगा पैरेलल, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू तार है इसी ब्लू तार के साथ इसी ब्लू तार को जोड़ देंगे और यहाँ पे जो रेड तार है इसी रेड तार के साथ इसी रेड तार को जोड़ देंगे और उसके बाद इसी ब्लू तार के साथ इसी ब्लू तार जोड़ देंगे और रेड के साथ रेड तार जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा। तो चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो गाइस लेजर का कनेक्शन मैंने कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पे जो रेड और ग्रीन वायर है ये इसका मेन वायर है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 वोल्ट दे दूंगा तो ये सारे लेजर जलना स्टार्ट कर देगा। ओके तो आप गाइस इसको पेन के साथ फिट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे मैं मार्किंग करके रखा हूँ, तो इसको यहाँ पे लगा दूंगा। तो चलो गाइस इसको पूरा कटिंग करके एकदम रेडी कर लेते हैं। गाइस इसको यहाँ पे लगाने के लिए देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड में यू टाइप करके ग्रुप कटिंग किया हूँ, देख सकते हो, और यहाँ पे दोनों सीट लगाया है और यहाँ पे दोनों सीट लगाया है और उसका बीच में छोटा छोटा होल कर दिया है स्क्रू के द्वारा टाइट करने के लिए। तो आप इसको फिट करना बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो पेन है पेन को जस्ट इसी गैप में रखना है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर रखना है और रखने के बाद दोनों सीट लिया हूँ, दोनों सीट को यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे एक सीट लगा के स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे और एक सीट यहाँ पे लगा के स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे और उसके बाद गियर मोटर जब भी घूमेगा पेन के साथ ये लाइट भी घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसको यहाँ पे लगाने से पहले यहाँ पे जो टीन का पत्ती लगाया है इसके साथ दोनों तार सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोनों तार सोल्डरिंग कर दिया है, तो चलो अब इसी दोनों को एक साथ फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया है और सेम यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो लगा देने के बाद देखो जब भी मैं इसको घुमा रहा हूँ गियर भी इसके साथ घूम रहा है। तो गाइस ये है लेजर का तार, तो लेजर चलेगा 5 वोल्ट में और ये जो हमारा हेडलाइट है ये चलेगा 12 वोल्ट में और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट मैंने पहले यूज किया था उसको मैं यहाँ पे फिर से यूज करूंगा और इसी सर्किट का जो डायग्राम है उसको मैं पहले आपको बता दिया है। तो चलो इसको फटाफट लगा के कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो हेडलाइट है इसको अगर मैं ऐसी कनेक्शन कर दूंगा तो ये हमेशा जलते रहेगा, कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा लाइट में। तो लाइट को ब्लिंकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इसी सर्किट को यूज कर रहा हूँ, तो आप अगर इसी सर्किट को यूज करोगे तो आपका सर्पी बहुत ही मस्त बनेगा, लाइट इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। ओके तो चलो इसको फटाफट फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा बोर्ड लगा के एकदम रेडी कर लिया हूँ, तो चलो इसके ऊपर इसी सर्किट को फिट कर देते हैं। तो गाइस मैं इसको स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर दिया हूँ, देख सकते हो।
तो गाइस इसका जो कनेक्शन है उसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो दोनों हेडलाइट का तार है उसको मैं पैरेलल जोड़ दूंगा और उसके साथ ये जो सर्किट का आउटपुट का तार है इसको एक साथ पैरेलल जोड़ दूंगा। और उसके बाद ये जो लेजर का तार है ये तार इसी सर्किट के साथ कनेक्ट होगा जहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है उसके साथ ये कनेक्ट होगा। और उसके बाद ये जो इसका जो मेन वायर है जो लाइन बियरिंग से आ रहा है 12 वोल्ट का जो लाइन आ रहा है ये तार जाएगा यहाँ पे इसी सर्किट में जहाँ पे 12 वोल्ट का इनपुट का पॉइंट है। ओके, और ये जो तार है ये जो इनपुट का तार है इसी तार में देना होगा 12 वोल्ट। तो ये जो मेन तार है इसके साथ इसी तार को पैरेलली जोड़ दूंगा जिससे इसी तार में 12 वोल्ट चला जाए। और इसी ब्लिंकिंग सर्किट में जितना वोल्ट आप पावर दोगे उतना ही वोल्ट का आपको एलईडी लगाना होगा तभी अच्छे से काम करेगा। तो गाइस इसका कनेक्शन मैंने पूरा कर लिया है, तो चलो आप इसको स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर देते हैं। गाइस यहाँ पे अगर मैं 12 वोल्ट दूंगा तो ये मोटर चालू हो जाएगा। तो इसी मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्पीड कंट्रोलर, तो इसको मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा। तो चलो इसको यहाँ पे फटाफट फीड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे लगाने से पहले ये जो ब्लू तार है इसको यहाँ पे खोलना होगा, खोल के यहाँ पे अलग से तार सोल्डरिंग करना होगा जो मैंने कर लिया है। तो ये दोनों तार जाएगा मोटर कंट्रोलर का पॉजिटिव और नेगेटिव पे, और ये दोनों तार जाएगा मोटर पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो चलो फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस इसका कनेक्शन मैंने अच्छे से कर लिया है, तो चलो अब इसको फीड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज कर लिया है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मैं छोटा छोटा सीड लगा दिया है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सीड लगाया है जिसे इसका जो ऊपर वाला जो बोर्ड है ये वाला इसको मैं स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर सकूंगा और बाद में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसको मैं खोल के रिपेयर कर सकूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे छोटा छोटा सीड लगाऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर का जो सीट है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। गाइस इसका नीचे का जो पार्ट है मतलब ये जो बॉक्स है इसको मैं पूरा रेडी कर लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे छोटा छोटा सीट लगा दिया हूँ जिसे ऊपर का जो बोर्ड है उसको मैं स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर सकूँ। तो अब इसका जो बीच का मैकेनिज्म है उसको करना होगा, तो इसको गाइस एकदम करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया गाइस। तो चलो इसको मैं किस तरीके से बनाया हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे गलती से होल हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान मत देना क्योंकि कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं बन जाते हैं, बहुत बार बहुत तरीके से ट्राई करना पड़ता है तब जाके अच्छा बनता है। तो छोड़ो उस बात को, तो चलो आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं इसको बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाया है एक छोटा सा बियरिंग और उसी बियरिंग का बीच में लगाया हूँ एक हेडफोन का जैक जो इधर से निकला हुआ है ये वाला। ओके, और उसके बाद उसी हेडफोन का जैक के साथ लगाया हूँ एक छोटा सा गियर और उसके बगल में देख सकते हो यहाँ पे लगाया हूँ एक N20 मोटर जिसके साथ लगाया है छोटा सा गियर जो इसी गियर के साथ कनेक्ट किया है। और ये N20 मोटर जब घूमेगा ये ऊपर का जो सीट है ये वाला ये भी घूमना स्टार्ट कर देगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 इंच का पाइप लगा दिया है और उसके ऊपर मैं XPVC सीट लगा दिया हूँ। तो चलो आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखा गाइस ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सर्पी का जो ऊपर का पार्ट है ये वाला इसको इसके साथ फिट करना होगा, तो इसको मैं ऐसे फिट करूंगा जिसे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बाद में उसके लिए इसी दोनों को अलग करके रिपेयर कर सकूं। तो उसके लिए मैं इसको बनाया है, तो इसको क्या करूंगा इसी हेडफोन का जैक के एकदम बीच में लगा दूंगा और यहाँ पे स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो चलो इसको पहले कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैं अच्छे से फिट कर दिया है और ये जो सीट में लगा है ये बाद में काम आएगा। तो उससे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे जो गैप है ये जो गैप है ये गैप ही हमारा बहुत जरूरी है, तो इसी गैप में हमारा सर्पी का जो नीचे वाला पार्ट है मतलब ये जो दोनों बोर्ड है इसको यहाँ पे डाल देंगे तो देखो बहुत ही आसानी से चला जाएगा, देख सकते हो। तो आप इसी सीट के साथ इसी सीट को स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर देंगे। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो आप हेडफोन का जैक के साथ इसी दोनों तार को अच्छे से जोड़ देंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान से रख के जोड़ना है। तो अब मैं इसी सीट को स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो आप गाइस यहाँ से करंट को ऊपर में पास करने के लिए मैं लगा रहा हूँ एक हेडफोन का फीमेल जैक, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से।
तो इसको यहाँ पे फिक्स रहने के लिए मैं पीवीसी सीट को बेंड करके कुछ इस टाइप से एक चीज बनाया हूँ, तो इसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे और भी एक स्पीड कंट्रोलर को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ब्लैक और रेड टर है इसको मोटर का जो प्लस और माइनस है वहाँ पे लगा देंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो चलो फटाफट इसको लगा देते हैं। तो अब गाइस पूरा सरपे में पावर देने के लिए मैं लगा रहा हूँ एक डीसी फीमेल जैक, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे दोनों तार सोल्डरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, और इसी तरह तार सॉकेट का पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे दोनों तार सोल्डरिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रख के जोड़ना है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। और इसी दोनों तार को इसी सॉकेट का पॉजिटिव और नेगेटिव पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइस इसका कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलो इसको बंद कर देते हैं स्क्रू के द्वारा। और एकदम लास्ट में दोनों साइड में दोनों बोर्ड लगा देंगे। तो गाइस हमारा सरपी लाइट एकदम रेडी हो चुका है, और इसको चलाने के लिए चाहिए 12 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का एडाप्टर ले लिया हूँ, और इसमें पावर भी दे दिया हूँ। देख सकते हो लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो लाइट ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैं जो सर्किट लगाया है उसमें लाइट पहले ब्लिंक ही करता है, आपको सेट करना पड़ेगा। तो चलो मैं फटाफट लाइट को सेट कर देता हूँ। तो लाइट का जो इफेक्ट है उसको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो मोड है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो देख लिया। इसका जो स्पीड है उसको भी आप बढ़ा सकते हो मोड का। और सबसे पहले मैं लाइट का जो इफेक्ट है उसको नॉर्मल कर देता हूँ, और आप इसका जो ब्राइटनेस है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एकदम फुल कर देता हूँ गाइस। तो देखो एकदम फुल कर दिया है, और आप मोड को मैं चेंज कर दिया, और इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ, बस एकदम सही है। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं, और अब मैं रूम का पूरा लाइट को बंद कर दिया है, तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। चलो गाइस इसको बाहर जाकर टेस्ट करते हैं। गाइस चलो इसको स्टार्ट करते हैं।